विकास सर, टिपिकल टीवी पत्रकार क्वेश्चन, कैसा महसूस हो रहा है एक्टिंग करके? वर यू नर्वस इन योर फर्स्ट टेक? नहीं, नर्वस तो क्या, मुझे अपने रोल प्ले करना था। ये तो सर ने ऐसा किया, शुरू में प्लानिंग ये थी कि कोई और प्ले करेगा उस रोल को, तो मेरी भूमिका सिर्फ स्क्रिप्ट कंसल्टेंट एक वर्ड था उसकी थी, जो धीरे धीरे फिर स्क्रिप्ट राइटिंग में भी कुछ कुछ हाथ आजमाए मैंने सर के साथ। ये तो बाद में जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, पहले प्लान था कि फिल्म करजत स्टूडियो में शूट होगी, करजत में एनडी स्टूडियो में शूट होगी, तो हमारी प्लानिंग वही थी, उसको सबने देख भी लिया था। दिल्ली में शूट करने को लेकर सर भी थोड़ा हिचकिचा रहे थे, मैं भी, कि माहौल पता नहीं कैसा बनेगा। फिर सर ने कहा कि एक बार मैं दिल्ली देखना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए। बोले घूमेगा मेरे साथ? मैंने कहा मैं घूमूंगा तो मामला बिगड़ जाएगा, तो मेरा घूमना ठीक नहीं रहेगा। तो सर मेरे ऑफिस आए, फिर मास्क लगाया, कैप लगाई, बोले अब कोई पहचानेगा नहीं। मैंने कहा हाँ, अब आप जाइए। पर सर तो सर ही हैं, जब चले तो चार लोग साथ साथ चल रहे थे, और जिस तेवर से सर ने बात की सब समझ गए कोई तो इस ग्रह का आदमी तो नहीं है, किसी और ग्रह का आदमी। तो शाम होते तो सबको आइडिया हो गया था। तो फिर जब शाम को आए तो मुझे लगा चलो एक दिन की बात है, फिर सर चले जाएंगे, मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। शाम को बोलते हैं साथ में ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे, बोले यार मज़ा आ गया, जो चमक देखी मैंने आंखों में बच्चों की, उनके पेरेंट्स की, तो अलग ही है, फिल्म यही शूट होगी। मेरी तो जमीन खिसक गई। मैंने कहा अब ये फिल्म यहाँ शूट करेंगे तो मैनेज तो हम भी करेंगे कुछ ना कुछ, कैसे करेंगे? बोले क्लासरूम तेरा चलेगा, उसी में शूट करेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ क्लासरूम में अगर एक में गए बाकी सब में जाएंगे नहीं, बच्चे दंगा कर देंगे। तो फिर हमने वो सब लॉजिस्टिकल इश्यूज किए, लेकिन फाइनली जब अंत में सर ने कहा कि ये तेरा रोल तू ही कर। सर पूछते नहीं हैं, सर कहते हैं, बताते हैं वो। हमारी हमारी ज़िंदगी में, मतलब मेरी ज़िंदगी में अब केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे केवल कहता है कि ये कर, बाकी तो मैं अपने इलाके में तो ठीक पोजिशन पर हूँ। मतलब एक तो मैं टीचर वैसे ही क्लास में तानाशाह होता है, ऊपर से मैं अपने जो संस्था है उसका प्रमुख, तो मुझे सब लोग रिक्वेस्ट में बात करते हैं। तो फाइनली मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अब है जो मुझे धमका के बात करता है और सीधे बोलता है कर रहे हैं। तो सर ने कहा कि विकास तेरा रोल तू ही प्ले करेगा, तो हो गया फाइनल उसमें। किंतु परंतु कहाँ था। और कोई एक्टिंग टिप भी दी गई थी? नहीं, सर ने बड़ा मेरे साथ बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि डायलॉग्स मैंने अपने खुद ही लिखे थे। मतलब फिल्म के लगभग 30 सीन के असस मैंने लिखे थे शुरू के, और इंटरव्यू का सीन लास्ट में 3 दिन बैठ के लिखा बॉम्बे में। मेरे सीन मैंने खुद ही लिखे थे, लेकिन उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य ये है, शूटिंग जब हो रही थी तो 3 सीन हैं, एक में वो रॉकेट सिस्टम पढ़ाना है, एक में आतंकवाद पढ़ाना है, एक में शुरू की एंट्री वाला सीन है। आतंकवाद वाला सीन शुरू हुआ, मुझे बताया गया था कि ये 13-10 सेकंड का होगा, उसके बाद कट कर देंगे। मैंने ठीक है सर, ये सब तो गवाह हैं उस मामले के। अब मैंने पढ़ाना शुरू किया, कट ही ना करें। अब मैं आतंकवाद के बाद सोचो अब क्या बोलूँ, फिर मैं नक्सलवाद और पता नहीं क्या क्या शुरू किया बोलना। काफ़ी देर बाद बोले एंड कट। तो मैंने कहा सर क्या हो गया था? बोले यार मज़ा आ रहा था मुझे।